एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 million यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 million यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हां कह दिया। गेस व्हाट, वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कई लड़कों में बहुत ही गंदी आदत होती है, उनको टॉयलेट को यूज करने के एटिकेट्स तक नहीं होते। जब भी वो टॉयलेट करेंगे वो उसे शॉवर की तरह इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे बहुत सा टॉयलेट साइड में या नीचे गिर जाता है। बात दिखने में छोटी सी लगती है, लेकिन क्या आपने कभी उस सफाई कर्मी के बारे में सोचा है जो आके इसे साफ करेगा? उससे भी तो बुरा लग सकता है, वो भी तो एक इंसान होता है। क्या जाएगा आपका जब आप एक ही जगह पर पॉइंट करके टॉयलेट कर लेंगे तो? लेकिन नहीं, हमें तो गंदी आदत पड़ी है। लेकिन इस गंदी आदत का सॉल्यूशन निकाला है एम्स्टरडेम के एक एयरपोर्ट पर, जहां पर मेंस लू के अंदर मेंस यूरिनल के बीचों बीच एक नकली मक्खी चिपका दी है। अगर कोई भी वहां सूसू करने आएगा तो वो उस मक्खी को पॉइंट करते हुए टॉयलेट करेगा, जिससे टॉयलेट बाहर नहीं गिरेगा और सफाई कर्मचारी को प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर आप लोगों ने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग रंगों की नंबर प्लेट्स लगी देखी होंगी, लेकिन क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो गाड़ियां जिसपे सफेद रंग की नंबर प्लेट लगी होती है, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि कॉमन मैन के लिए ही होती है, जिसे आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, यानी आप उसे टैक्सी नहीं बना सकते। दूसरी है पीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि कमर्शियल यूज के लिए ही बनी होती हैं, जैसे कि टैक्सी, ट्रक, ट्रोली, इन पे लगाई जाती है। तीसरी है लाल रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि स्पेशली राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के लिए यूज होने वाले व्हीकल्स पर लगाई जाती हैं। चौथी है नीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए यूज की जाती है। और पांचवी है हरे रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज की जाती है। गाइस, क्या इसके पहले तक की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सर, हमारे समाज में जो गोरा है उसे खूबसूरत मान लिया जाता है, और इसी वजह से हमारे देश में फेयरनेस क्रीम्स बहुत ज्यादा बिकती हैं, जो कि गोरा करती हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे गोरापन पाने की चाहत का फायदा उठाकर वो करोड़ों रुपया कमा जरूर रही हैं, जिसमें उनका साथ दे रही हैं बहुत सारी सेलेब्रिटीज। लेकिन हर सेलेब्रिटी एक जैसी नहीं होती। उन्हीं में से एक है प्रभास, जिन्होंने 18 करोड़ रुपयों का फेयरनेस क्रीम का एक ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि खूबसूरती का गोरेपन से कोई लेना देना नहीं है। खूबसूरती एक्चुअली इंसान के नेचर से होती है। अगर उसका दिल खूबसूरत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है या काला। गाइस, आपको डार्लिंग प्रभास की ये बात कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।